हेलो चेक हेलो हेलो। सो गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। फ्रेंड्स। सो माय सेल्फ विवेक प्रजापति। और जो मैंने कि पहला क्लास में आपको जो है कि क्लास 11th का मैं ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये क्या है भाई? बिजनेस स्टडीज़ है। तो बिजनेस स्टडी का मैंने पहला क्लास ले लिया हूँ। तो उसमें मैंने पढ़ाया था व्हाट इज़ बिजनेस, ठीक है, मीनिंग ऑफ बिजनेस हम लोग देखे थे, और व्हाट इज़ इकोनॉमी एक्टिविटीज, व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़, उसका डिटेल हम लोग देखे थे। किसको हम लोग इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बोलते हैं, किसको नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बोलते हैं, वो हम लोग डिटेल पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़, ठीक है, उसका पूरा डिटेल हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग मैंने आपको जैसे जस्ट रिकॉल के लिए मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि इकोनॉमी एक्टिविटी मतलब क्या होगा। एनी एक्टिविटीज़ हाँ व्हिच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी, मतलब जो एक्टिविटीज है जिससे कि हम लोग पैसा कमाने में मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट द मेन पर्पज ऑफ बाई एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी व्हिच व्हिच मेन मोटिवेट टू अर्न प्रॉफिट हाँ और मनी और मनी वर्थ और मे बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमी एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमी एक्टिविटी समझ में आए, जैसे हो गया सेल करना और प्रोडक्शन करना, ये सब क्या हो गया, और कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब हो गया फार्मिंग करना, ये सब क्या हो गया आपका, हो गया इकोनॉमी एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी मतलब एनी एक्टिविटीज व्हिच इज कैरेड ऑन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट मॉनिटरी जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अंडर एनी एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन हाँ नॉट एनी रिवार्ड, नॉट फॉर एनी रिवार्ड, मतलब मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेन क्या था, रिवार्ड क्या था भाई, पैसा मनी, इसमें कोई मनी इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। मीन्स एनी एक्टिविटीज व्हिच इज कैरेड ऑन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने बोला था आपको आपका मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, मीन्स मदर कुक द फूड फॉर देयर चिल्ड्रेन और मदर टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और फिर हम लोग देखे थे बिजनेस का डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उसका पूरा डिटेल में हम लोग देखे थे, ठीक है। फिर टाइप ऑफ एक्टिविटीज देखे थे, तो तीन तरह का जो है इकोनॉमी एक्टिविटीज है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग पूरा देखे थे, सात जो है सेवन, जैसे हो गया दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जैसे इकोनॉमी एक्टिविटीज होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और फिर हो गया एक्सचेंज होना चाहिए, रेगुलर डीलिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर और क्या होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट, मीन मेन मोटो ऑफ द बिजनेस क्या है, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, और फिर हो गया एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये सब हम लोग देख लिए थे। देन मोड ऑफ बिजनेस जो है एस्टेब्लिशमेंट, हम लोग अभी क्या करेंगे, मेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, ये तीनों का जो मेन डिफरेंस क्या है, कैसे आप इसको कंपैरिजन हम लोग करेंगे, एग्जाम में यही आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस और प्रोफेशन आ सकता है, या बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, या प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले मेन कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। सो पहला क्या है भाई, बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, मतलब कैसे हम लोग शुरू करते हैं बिजनेस को या प्रोफेशन को, एम्प्लॉयमेंट। सो मेन बेसिस क्या है एम्प्लॉयमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट का बेसिस क्या है बिजनेस का, मीन्स इट इज बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर डिसीजन, मतलब जो मालिक है, एंटरप्रेन्योर जो प्रोमोटर है, उसका डिसीजन पे जो है बिजनेस एस्टेब्लिश होता है। सेकेंड प्रोफेशन क्या होता है, मीन्स प्रोफेशन कब होगा एस्टेब्लिशमेंट, जब कोई मेंबर, मीन्स आफ्टर एक्वायरिंग द मेंबरशिप नंबर फ्रॉम एनी प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है। जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, या कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी आदमी जब कोई प्रोफेशनल डिग्री एक्वायर कर देता है, तो उसके बाद उसको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। जैसे आप लॉयर हो, तो बार काउंसिल से आपको जो है कि एक नंबर मिलेगा, तो आपका लाइसेंस मिलेगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो एक तरह से वो लाइसेंस ही है, तो मेंबरशिप नंबर होता है। तो आप जब मेंबरशिप मिलेगा तभी आप ऑडिट कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप ऑडिट कर सकते हो। सो एनी मेंबर,
ऑफ एनी प्रोफेशनल बॉडी सो दे कैन डू द एनी प्रैक्टिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोफेशन. थर्ड हो गया एम्प्लॉयमेंट. सो अपॉइंटमेंट ऑर्डर. सो एस्टेब्लिशमेंट कब होगा, मीन्स कब शुरुआत होगा, मैन अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जैसे टाटा कंपनी आपको रिक्रूटमेंट किया तो आप क्या है अकाउंटेंट पोस्ट में ज्वाइन किए, तो आपको क्या अपॉइंटमेंट लेना देगा, हाँ मिस्टर सो एंड सो अपॉइंटेड ऑन डेट दिस एंड दिस इज द वर्क प्रोफाइल, और उसका बेसिक इतना, डीए इतना, पूरा सरली इतिहास लिखेगा. और पूरे लगभग बहुत कंपनी का जो है अपॉइंटमेंट अलग अलग फॉर्मेट में होता है, 4 से 5 पन्ना होता है, 2 से 3 पन्ना होता है, डिपेंड करता है. ठीक है, पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में, तो लंबा चौड़ा होता है, मिनिमम 5 पेज 4 पेज का होता है. ठीक है, पूरा. नेक्स्ट हो गया नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क, तो बिजनेस का क्या काम है, प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विसेज टू द पब्लिक. मीन्स बिजनेस का मेन मोड क्या है भाई, वर्क क्या है, क्या काम होता है बिजनेस में भाई, कोई चीज बनाना और बेचना, खरीदना और बेचना हो सकता है, और या जो उसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विसेज टू द पब्लिक और कस्टमर्स. ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्रोफेशन में मेन काम क्या है भाई, प्रोवाइडिंग रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट. जैसे डॉक्टर क्या करता है, आपको ट्रीटमेंट देता है, करता है, ठीक है, आपका चेकअप कराता है, बॉडी का चेकअप कराता है, बुखार हुआ तो मेडिसिन देता है. सो दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग द प्रोफेशनल सर्विस. और चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है, आपको एडवाइस देता है, आप कैसे इनकम टैक्स भरिएगा, आप कितना टैक्स पेमेंट करिएगा, आपका बिजनेस कैसे सेटअप करिएगा, कैसे रन कीजिएगा. सो एक कौन बताता है भाई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है या टैक्स कंसल्टेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बताते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये नेचर ऑफ वर्क है, क्या काम होता है, क्या काम करते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, द वर्क एज पर द सर्विस एग्रीमेंट. जैसे आपका सर्विस एग्रीमेंट होगा, काम क्या करना भी, सर्विस एग्रीमेंट में जो है जैसा है आपको उसी तरह से काम करना है. ठीक है, आपको काम जो प्रोफाइल दिया होगा भाई, सेल्स का देखना है आपको तो सेल्स देखिएगा, प्रोडक्शन देखना है तो प्रोडक्शन देखिएगा. सो व्हाट एवर द जॉब वर्क एलोटेड टू पर्टिकुलर एम्प्लॉई, ही हैज टू वर्क ऑन दैट वर्क. समझ. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन. सो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई बिजनेस में, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. ऐसे भी बहुत सारे करोड़पति है, बिलियनर्स है, और जो कि है आप बिल गेट्स के बारे में देखिएगा तो क्या पढ़े लिखे नहीं है, बोलता है कॉलेज ड्रॉप आउट. ठीक है, सो एनी क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नो नथिंग. आपका पापा दादाजी अगर करोड़पति है, बिजनेस चला रहे हैं, तो आप भी चला सकते हो. ठीक है, सो देर इज नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. बट इन केस ऑफ प्रोफेशनल प्रोफेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. जैसे CA हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI का पास होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी हो तो ICSI से पास होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो ICMAI से पास होना चाहिए, लॉयर हो तो लॉ करना होना चाहिए, डॉक्टर हो तो डॉक्टरेट का डिग्री, डॉक्टर का डिग्री होना चाहिए. समझ में आया. सो देर इज, इट इज रिक्वायर्ड टू गेट ए प्रॉपर क्वालिफाइड और क्वालिफिकेशन टू और ट्रेनिंग इज डिजायर्ड. जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो हो चाहिए, और फिर आपका क्या ट्रेनिंग अगर चाहिए तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको जरूरत है, और तभी आप कर सकते हैं. समझ में आया. नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यस, जनरली जब कंपनी में एम्प्लॉयमेंट होता है तो प्रेस्क्राइब किया जाता है एम्प्लॉयर के, हाँ हमको बीटेक चाहिए, बीएससी चाहिए, सीए चाहिए, डॉक्टर चाहिए. सो क्वालिफिकेशन लिखता है, और इतना परसेंटेज, बहुत सारे कंपनी में वो लोग परसेंटेज भी बोलते हैं कि 60% होना चाहिए बीटेक और एमबीए डिग्री होगा, तब आप एम्प्लॉयमेंट आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सो जनरली ये समझ में आया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए. थर्ड चीज हो गया बिजनेस प्रोफेशन जो है, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में. नेक्स्ट है रिवार्ड एंड रिटर्न. भाई रिवार्ड क्या चाहिए और रिटर्न क्या होता है भाई, कुछ काम करने के लिए तो कुछ चाहिए ना भाई, रिटर्न चाहिए ना भाई. तो रिटर्न मतलब रिवार्ड ऑफ रिटर्न क्या है बिजनेस में, क्या प्रॉफिट मोटिव. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, और जो है कॉस्ट प्रोफेशन में क्या चाहिए, फी चाहिए भाई. डॉक्टर फी लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फी लेता है, ठीक है, लॉयर फी लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट केस में, एम्प्लॉयमेंट का केस में जो होता है उसमें क्या सैलरी मिलता है, महीना महीना सैलरी मिलेगा, या अगर वर्कर्स लेवल है तो डेली वेजेस मिलता है, सैलरी और वेजेस.
सैलरी मतलब महीना मिलता है, वेजेस मतलब मैं भी डे हो सकता है, वीकली हो सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, समझ रहे हैं। सो ये हो गया रिटर्न का। सो तीन चीज़ हमने होता है, बिजनेस में प्रॉफिट, प्रोफेशन में फी, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस। नेक्स्ट हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भाई देखो, कैपिटल बिजनेस कर रहे हो तो मतलब बहुत पैसा चाहिए भाई, लैंड चाहिए, एक फैक्ट्री बैठा होगा कैसे बैठा होगे, आपका बस कुछ चाहिए, हाँ चाहिए, क्या लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, कैसे बनाओगे, कोई पेन बनाना है तो बस आप लैपटॉप बनाओगे, पेन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, मशीन चाहिए भाई, कैपिटल चाहिए, पैसा। इसीलिए फॉर डूइंग एनी बिजनेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बट देर आर सम बिजनेस वेयर कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड आर लेस रिक्वायर्ड। बट हम लोग इन जनरल का बात करें तो 100% अगर बिजनेस करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, लार्ज कैपिटल बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। बड़ा बिजनेस करना है तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, छोटा बिजनेस करना है तो कम कैपिटल चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ हो गया प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या चाहिए भाई, लिमिटेड कैपिटल। आपको भाई ऑफिस एक छोटा कंसल्टेंसी फर्म करना है तो एक ऑफिस चाहिए ना भाई, कोई आएगा तो कहाँ बैठेगा, ठीक है। तो नेचुरली लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग ए प्रोफेशन, और मे बी डिग्री के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट, तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कुछ नहीं है, जॉब डिग्री है आपके पास, इंटरव्यू दो, जॉब क्वालिफाई करो, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, सैलरी महीना महीना ले लेना, ठीक है। सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयमेंट, समझ में आया। सो बिजनेस और प्रोफेशन में 100% आपको कैपिटल चाहिए, छोटा कम या ज़्यादा, बट एम्प्लॉयमेंट में नहीं चाहिए, समझ में आया। नेक्स्ट आपका हो गया रिस्क। तो क्या रिस्क है भाई, बिजनेस में रिस्क चाहिए कि नहीं, रिस्क होता है कि नहीं, 100% होता है। हायर रिस्क हायर रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, ठीक है। प्रोफेशन में लिटिल बिट रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, हाँ बिजनेस आपका बिजनेस चल सकता है या नहीं चल सकता है, और प्रोफेशन में हाँ आपका प्रोफेशन चल सकता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिसके पास लंबा लाइन लग रहता है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिसके पास क्लाइंट ही नहीं होता है, ठीक है। तो देर इज ए रिस्क, ठीक है, जिससे काम करिएगा उसे आपको रिवार्ड मिलेगा। और सेकेंड हो गया, ये हो गया प्रोफेशन। थर्ड क्या, एम्प्लॉयमेंट केस में नो रिस्क है ही नहीं भाई, महीना में काम करना, 9 से 6 काम करना, महीना आएगा सैलरी आपको मिल जाएगा, बट अभी का चांस कम है, ठीक है, प्राइवेट केस में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। भाई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस मतलब क्या होता है, आप बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो बिजनेस को, तो 100% आप जो बिजनेस है सेल होता है, जैसे आप देखिए मर्जर एंड टेक ओवर हो रहा है, ठीक है ना, L&T ने एक्वायर किया कोई अदर कंपनी को, टाटा ने एक्वायर किया कोरस को, ठीक है, सन फार्मा एक्वायर किया कोई और कंपनी, सो देर आप मर्जर एक्विजिशन के बाद सुनते हो, न्यूज़पेपर में देखे होगे, तो मतलब क्या, बिजनेस इज टेकन ओवर, मीन्स एक कंपनी दूसरा कंपनी का, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, सो टेक ओवर हुआ, तो मतलब ओनरशिप चेंज हो गया। सो बिजनेस में जो है ट्रांसफर इज पॉसिबल, बट प्रोफेशन में आपका डिग्री दे सकते हो दूसरा को, नहीं, सो होता ही नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट केस में भी नहीं होता है, नहीं। सो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के केस में ट्रांसफरेबल नहीं है, बट बिजनेस का केस में खाली जो है इट इज ट्रांसफरेबल, इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफरेबल और बिजनेस कैन बी ट्रांसफरेबल, ठीक है। नेक्स्ट 8, पॉइंट नंबर 8, क्या भी बिजनेस में जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि नहीं होता। सो जनरली कोड ऑफ कंडक्ट जो बिजनेस के लिए नहीं होता है, बट हाँ एथिकल प्रैक्टिस होता है। सो एथिकल प्रैक्टिस जो आप हाई लेवल पढ़ोगे तब उसको जानेंगे व्हाट इज एथिकल प्रैक्टिस इन बिजनेस, वो बहुत सारा चीज़ है, बट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है, प्रेस्क्राइब नहीं रहता, हर एक बिजनेस का अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता, बट प्रोफेशनल में 100% कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, CMA या लॉयर में कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, कैसे ड्रेस पहनना है, आपका नाम यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप बिना डिग्री के अपना आगे CA लिख दोगे तो फाइन होगा, पेनल्टी हो जाएगा, सो कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट केस में जो है जनरली कोड ऑफ कंडक्ट इसको नहीं बोलते हैं, जनरली इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। सो एम्प्लॉयमेंट में जो जो टर्म एंड कंडीशन होगा आपको उसको मान के काम करना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर जो जो होगा। सो कोड ऑफ कंडक्ट जनरली रहता है 80% 90% आप बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जूनियर लेवल और टॉप लेवल, तो कोड ऑफ कंडक्ट
जनरली टॉप लेवल एम्प्लॉय के लिए रहता है, लोअर वर्कर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है, ठीक है। बट ठीक है, आप बोल सकते हैं प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट केस में कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड है, जरूरी है, बट बिजनेस के केस में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता है, ठीक है, वहाँ एथिकल प्रैक्टिस रहता है। नेक्स्ट हो गया एग्जाम्पल, भाई इसको पहले बोलना चाहिए था, ठीक है। तो बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है भाई, यानी फैक्ट्री बनाना, शॉप दुकान बनना, ये सब क्या है, ट्रेडिंग करना, ये सब क्या है, बिजनेस है। प्रोफेशन मतलब यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल प्रैक्टिस और मे बी लीगल प्रैक्टिस, जैसे आप लॉयर हो। सो दीज आर द प्रोफेशन एग्जाम्पल। और एम्प्लॉयमेंट का केस में क्या हो गया, आप बैंक में जॉब कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी टाटा, ठीक है, रिलायंस, एनी कंपनी में आप काम कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो ये डिटेल मैंने आपको 9 पॉइंट में जो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का तीनों का डिफरेंस आपको बताया है। कंपैरिजन हम लोग एक बार जल्दी से इसको ब्रश अप करके ख़त्म करेंगे। तो रिकॉल करना है, ज़्यादा जो है कि इसको टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। कंपैरिजन, बिजनेस बेसिस क्या होगा, तो क्या बेसिस है भाई बिजनेस का, जो है बेसिस क्या होना चाहिए, जस्ट मिनट, क्या बेसिस होना चाहिए, और उसके बाद क्या क्या बेसिस है, हाँ क्या बेसिस है, उसके बाद क्या बिजनेस में जो है, और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो तीन चीज में हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो बता है बिजनेस जो है क्या है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन, मींस जो ओनर होता है, प्रमोटर होता है जिसको बोलते हैं, वो क्या डिसीजन लेता है। बट प्रोफेशन केस में क्या है, मेंबरशिप बॉडी, मींस एनी वन शुड बी ए मेंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉडी, जैसे CA हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, और भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। सेकेंड हो गया आपका नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क क्या है बिजनेस का भी, आपका जो है कि प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विसेज टू द क्लाइंट और कस्टमर, ठीक है। और प्रोफेशन का केस में क्या है, रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस। और एम्प्लॉयमेंट केस में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा वही एम्प्लॉयमेंट के केस में होगा। देन थर्ड चीज क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस में नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रोफेशन में जो है कि 100% प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, और फिर लास्ट में जो है एम्प्लॉयमेंट में 100% जो टर्म एंड कंडीशन होगा अपॉइंटमेंट में, तो क्वालिफिकेशन चाहिए चाहिए। फोर्थ हो गया रिवार्ड एंड रिटर्न। सो बिजनेस में क्या मेन रहे, प्रॉफिट चाहिए, और प्रोफेशन में फी चाहिए, और सर्विस में क्या सैलरी और वेजेस चाहिए, ये हो गया रिवार्ड। फिफ्थ हो गया आपका कैपिटल। सो बिजनेस में 100% आपको कैपिटल चाहिए, बिजनेस में 100% आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, और इन्वेस्टमेंट, जस्ट मिनट, सो तो क्वालिफिकेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट 100% चाहिए बिजनेस में, और प्रोफेशन में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा नहीं, और बिजनेस में जनरली एज पर द बिजनेस, बड़ा बिजनेस होगा तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, और प्रोफेशन में कम चाहिए इन्वेस्टमेंट, और इसमें एम्प्लॉयमेंट केस में चाहिए ही नहीं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रिस्क। बिजनेस में हाई रिस्क चाहिए होता है, और प्रोफेशन में कम रिस्क, लिटिल बिट मॉडरेट रिस्क, और आपका जो है एम्प्लॉयमेंट में लिटिल बिट रिस्क होता है, और नो रिस्क और बहुत कम ही रिस्क होता है। और सेवेंथ हो गया ट्रांसफरेबल। तो बिजनेस 100% ट्रांसफरेबल है, और बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट केस में ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, नेक्स्ट हो गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस में कंडक्ट जनरली नहीं रहता है, नॉट प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, बट एम्प्लॉयमेंट और जो आपका प्रोफेशन में 100% आपका कोड ऑफ कंडक्ट रहता है एज पर द प्रोफेशनल बॉडी। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो प्रोफेशनल बॉडी बोलेगा, ICAI, ठीक है, और अगर लॉयर हो तो आपका बार काउंसिल जो है कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट केस में एम्प्लॉयमेंट का जो होता है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, शॉपकीपर हो गया, फैक्ट्री हो गया, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल हो गया बिजनेस का। और जो हो गया आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, CA और लॉयर, और मैं भी डॉक्टर प्रैक्टिशनर, ये हो गया प्रोफेशन। और लास्ट जो है जॉब हो गया, बैंक में जॉब कर रहे हो, PSU गवर्नमेंट सेक्टर में, या इंश्योरेंस में कर रहे हो, या कंपनी में काम कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड
एम्प्लॉयमेंट। ठीक है माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो बिजनेस एक्टिविटीज जो है कितने तरह के होता है, तो हम लोग देख लें व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, अभी देखें बिजनेस का एक्टिविटीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो बिजनेस एक्टिविटीज दो तरह से है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, सो इंडस्ट्री क्या है एंड कॉमर्स क्या है, सो दो तरह से आपका है। ठीक है, सो दो तरह के जो है कि आपका इंडस्ट्री जो है एंड कॉमर्स है। सो बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकंड इज कॉमर्स। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकंड इज कॉमर्स, समझ में आया। सो इंडस्ट्री क्या हुआ, सो बिजनेस जो है एक्टिविटी जो है बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो दो तरह के जो है, हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल में इसको। बिजनेस जैसे मैंने आपको बोला इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, सो इंडस्ट्री कितना तरह का होता है, सो जनरली तीन तरह का इंडस्ट्री होता है। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्री, फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड आपका होगा टर्टियरी। ठीक है, सो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो कितना तरह होता है, दो होता है, एक है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा हो गया जेनरेटिव। सो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है दो तरह का होता है, ये तीन तरह होते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री और ये थ्री टाइप का जो है इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्या टर्शियरी। जो है प्राइमरी एक्टिविटी एक डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव, देन हो गया जेनरेट, एक्सट्रैक्टिव हो गया जेनरेटिक। सो जो है सेकेंडरी एक्टिविटी जो है इंडस्ट्री जो है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन। सो मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट जनरली, एक हो गया एंसिलरी, दूसरा हो गया सिंथेटिकल, देन प्रोसेसिंग एंड असेंबल। सो चार तरह का जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक हो गया एंसिलरी, दूसरा सिंथेटिक, फोर्थ हो गया प्रोसेसिंग, फिफ्थ हो गया असेंबल। हम लोग डिटेल्स का पढ़ेंगे। ठीक है, सो कॉमर्स इज, ये हो गया आपका इंडस्ट्री, फिर कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक हो गया ट्रेड, दूसरा हो गया ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो पहला हो गया ट्रेड, कॉमर्स इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू, कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ट्रेड हो गया, दूसरा हो गया ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, सो ट्रेड क्या है, ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू, एक हो गया इंटरनल ट्रेड, दूसरा हो गया एक्सटर्नल ट्रेड, जो खरीदना बेचना है उसको बोलते हैं ट्रेड। तो जो है कि इंटरनल मतलब विद इन द टेरिटरी, तो हो गया फर्स्ट हो गया होलसेल एंड रिटेलर। सो इंटरनल जो है होलसेलर एंड रिटेलर हो गया, और एक्सटर्नल जो हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट, इंट्रापोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट, ये हो गया आपका ट्रेड। ठीक है, और उसी तरह जो है ऑक्सिलरी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, पहले हो गया ट्रांसपोर्टेशन, देन हो गया वेयरहाउसिंग, देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड थर्ड इज बैंकिंग फाइनेंस, फोर्थ इज एडवर्टाइजमेंट। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज, हम लोग एक एक करके देखेंगे और हम लोग फिर से इसको आके समझेंगे। समझ में आया। सो डरने वाला बात नहीं है, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या है और क्लासिफिकेशन जो है हम लोग डिटेल जाएंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होता है और कैसे हम लोग इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है और डिटेल हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स गुरुजी को, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आप दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको आने वाला वीडियो मिल पाए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें कॉल कीजिए, ऑनलाइन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही चीप रेट में और अच्छा प्राइस में, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।